सोलन में भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है, जिसके तहत सुरेश कश्यप ने निजी होटल में गुपचुप बैठकों का दौर शुरू कर अपने समर्थकों के साथ मिलने और सुझाव मांगे और उनका समर्थन भी मांगा है। बैठक में रिटायर्ड कर्मचारी और भाजपा विचारधारा से जुड़े अधिवक्ता मौजूद रहे। सभी को भाजपा के हाथ मजबूत करने के लिए सुरेश कश्यप ने प्रेरित किया और केंद्र सरकार की योजनाओं और कांग्रेस के दुष्प्रचार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा भी की। प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल पर वैचारिक हमला किया और कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी न केवल सोलन के विधायक रहे हैं बल्कि उन्हें मंत्री पद से भी नवाजा गया था, लेकिन अफसोस ये है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी कोई भी कार्य नहीं किया जिससे वे अपनी उपलब्धियों में गिना सकें। वहीं भाजपा के सांसद वीरेंद्र कश्यप ने सांसद रहते हुए इतने कार्य किए हैं जिसे देखकर लोगों में विश्वास हुआ है कि सांसद भी प्रदेश के विकास में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे सोलन विधानसभा क्षेत्र में वोट की अपील करने जा रहे हैं तो क्षेत्र को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि विधायक धनीराम शांडिल ने यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है, वे केवल जीरो साबित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती पर टिप्पणियों के बाद प्रदेश बीजेपी खुलकर अपने अध्यक्ष के बचाव में उतर आई है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामकुमार ने मुकेश अग्निहोत्री को सत्ती के विरुद्ध बोलने से पहले अपने कार्यों की समीक्षा करने और खुद में झांकने की नसीहत दी। उन्होंने मुकेश को नेता विपक्ष का पद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की कृपा दृष्टि से मिलने की याद दिलवाते हुए फिर कांग्रेस नेता पर तंज कसा। रामकुमार ने नेता विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए उन्हें नशे को संरक्षण देने वाले पहले नेता होने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि नशे के सौदागरों ने मुकेश अग्निहोत्री का तोला दान तक किया था। रामकुमार ने सतपाल सत्ती को ईमानदार नेता बताते हुए नेता विपक्ष पर हिमाचल की राजनीति में धन बल के प्रयोग की शुरुआत करने और चुनाव जीतने के लिए इसका प्रयोग करने के आरोप तक लगाए। हमीरपुर के बड़ू चौक पर शराब ठेके के विरोध में स्थानीय ग्रामीण उग्र हो गए हैं। शराब ठेके के साथ चलते अहाते में शोर शराबा होने के कारण साथ लगते घरों के लोगों ने कड़ा विरोध जताया है। लोगों ने पार्षद वीणा धीमान के अगुवाई में डीसी हमीरपुर को ज्ञापन सौंपकर जल ठेके को बंद करवाने की मांग की है। आपको बता दें कि बड़ू चौक पर आए दिन शराब ठेके पर शराबियों के हुड़दंग मचाए जाने पर लोगों को दिक्कतें होती हैं और राहगीरों को भी आवाजाही में दिक्कतें पेश आती हैं। शराब ठेके के साथ लगते घरों के लोगों में राजेश कुमार ने बताया कि शराब ठेके के साथ लगते अहाते में दिन से लेकर रात तक शोर शराबा होता है जिससे घरों से बाहर निकलना तक दूभर बन जाता है। वहीं महिला ने बताया कि अहाता के बाहर शराबियों के द्वारा गाली गलौज किया जाता है और इससे घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल बन जाता है। लोगों ने मांग की है कि इस शराब ठेके के साथ अहाते को भी कहीं और स्थानांतरित किया जाए ताकि लोगों को पेश आ रही परेशानी से छुटकारा मिल सके। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जमा दो कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड चेयरमैन
डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि परीक्षा परिणाम 62.01% रहा। साइंसबर्ग में जिला कुल्लू के अनिल ने पहला स्थान हासिल किया, वहीं दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 3 विद्यार्थी हैं। आर्ट्स में टॉप 3 में 2 लड़कियों सहित 1 लड़के ने बाजी मारी है। कॉमर्स संकाय में नाहन की प्रीति बीरसांता ने पहला स्थान हासिल किया है। इस वर्ष कुल 94,492 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें से 58,949 उत्तीर्ण हुए, जबकि 16,102 विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट घोषित की गई है। साइंसबर्ग में जिला कुल्लू के अनिल ने पहला स्थान हासिल किया है। 98.5% अंक हासिल करने वाला अनिल पुत्र देवराज साइंस स्टार स्कूल ढालपुर का विद्यार्थी है। वहीं दूसरे स्थान पर 98.2% अंक लेकर संयुक्त रूप से 3 विद्यार्थी हैं। इनमें लिटिल एंजल स्कूल मेहरे हमीरपुर की प्रकृति ठाकुर, पुत्री प्रवीण कुमार ठाकुर, मिनर्वा पब्लिक स्कूल घुमारमी बिलासपुर की सानवी सांख्यान, पुत्री विजय कुमार सांख्यान और SPN सीसे स्कूल कुनिहार जिला सोलन के जिवेश अवस्थी, पुत्र दीपक कुमार अवस्थी शामिल हैं। साइंसबर्ग में तीसरे स्थान पर राव मापा गोपालपुर जिला मंडी की शुभांगिनी पुत्री संजय सिंह ने 98% अंक लेकर जगह बनाई है। आर्ट्स में टॉप 3 में 2 लड़कियों सहित 1 लड़के ने बाजी मारी है। टॉप 3 के सबसे ऊपर DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऊना की अश्मिता शर्मा 96.4%, दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दरबियार हमीरपुर की साक्षी कपूर 96% और तीसरे नंबर पर BBN गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्लो के कार्तिक गहोल 95.8% अंक से बाजी मारी है। कॉमर्स संकाय में कैरियर अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाहन की प्रीति बीरसांता ने 98.8% अंक लेकर पहला स्थान हासिल किया है। आदर्श विद्या निकेतन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाहन जिला सिरमौर की इशिता अग्रवाल ने 98.4% अंक लेकर दूसरा स्थान, जबकि शिमला के राजकीय छात्रा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहड़ू की छात्रा दीक्षु शर्मा ने 97.6% अंक लेकर तीसरा स्थान हासिल किया है।